ये है ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्लाशर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि फ्लाशर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको फ्लाशर से जुड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि आप जब हमारा वीडियो वॉच करें तो उसे समझने में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो दोस्तों, जो फ्लाशर है वो हर गाड़ी में होता है और इसका काम है हमारा इंडिकेटर का बल्ब को बिलिंग कराना। यानी जब हमारा इंडिकेटर देते हैं तो वो जलता और बुझता है, वो फ्लाशर के वजह से ही होता है। जब हम फ्लाशर अपने गाड़ी से निकाल देंगे, फ्यूज बॉक्स में होता है उसे निकाल देंगे, तो हमारा इंडिकेटर का बल्ब बुझ जाएगा, यानी वो नहीं जलेगा। अब अगर हम उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं मेन तार से, तो वो डायरेक्ट जलेगा बुझेगा, ऐसे बिलिंग नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जलता रहेगा। तो आइए, अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि वो कैसे काम करता है। आइए, ले चलते हैं हम आपको वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर अपडेट्स आपको मिले। फ्रेंड्स, यह एक फ्लाशर है। ये आप देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का एक फ्लाशर है। यहाँ पे देखिए, ये 3 पिन है, यहाँ लिखा हुआ है बी और यहाँ पे एल और यहाँ पे ई। बी फॉर बैटरी, यानी बैटरी सप्लाई डायरेक्ट मेन, और ई यानी अर्थिंग, ई से अर्थिंग ग्राउंड होता है। और यहाँ एल लिखा हुआ है, एल फोर होता है लाइट, यहाँ से डायरेक्ट हमें लाइट का कनेक्शन जाता है। फ्रेंड, अब हम इसे खोलेंगे और अंदर का फीचर दिखाएंगे कि ये अंदर में कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आइए हम इसे खोलते हैं। जस्ट यहाँ पे लॉक होता है, लॉक को खोलना होता है। ये खुल चुका है, ये है अंदर में, यह कुछ नहीं होता है, ये जस्ट कवर है। और ये देखिए, यहाँ पे ये ऐसा है, ये हमारा कॉयल है, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। वो हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये बी फोर बैटरी और ई फोर आर्थिंग और एल फोर लाइट होता है। तो हम इस बैटरी का कनेक्शन में बैटरी का मेन देंगे। जैसे यहाँ पे ये हमारा पोस्ट बैटरी का मेन है, हम इसे कनेक्ट कर देते हैं ये बैटरी में, रिले में, जो बैटरी बी लिखा हुआ है। और ये बैटरी का ग्राउंड पोल है अर्थिंग, और इसे ये जो ई लिखा हुआ है अर्थिंग, इसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये कनेक्ट हुआ, आप देख सकते हैं। अब हम इसे जो एल लिखा हुआ है उसमें लाइट हम अपना लगाएंगे, टेस्ट लैंप। तो ये हमारा लाइट है, ये टेस्ट लैंप है, इसका एक वायर बी में लगा दिए, ये बल्ब में लगा दिए, एल में, एल से लाइट होता है, ये लगा दिए। और ये जो हमारा अर्थिंग है, इसमें अर्थिंग देना है हमको, तो ये अर्थिंग में हम दे रहे हैं, ये अर्थिंग है हमारा। देखिए, ये ऐसे काम करता है, ये इंडिकेटर का काम करता है। देखिए, ऐसे काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉयल कैसे खींच रहा है अपने तरफ। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फ्लाशर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, यह एक रिले की तरह ही काम करता है। अगर आप रिले वाला मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।